दोस्तों छोटा सा वीडियो है, प्लीज़ इसको पूरा एंड तक ज़रूर देख के जाना अगर आप लोग भी संदीप महेश्वरी सर के फ़ैन हो या फिर उनको फॉलो करते हो। दोस्तों आप लोग को बताना चाहूँगा, संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, अब संदीप महेश्वरी सर के ऊपर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जैसे फ्रॉडियल इंसान ने केस कर दिया है। वो भी केस काहे का किया है दोस्तों? मानहानि का केस। मानहानि का केस वो होता है, जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहूँगा, अगर कोई प्रोडक्ट है या फिर किसी कंपनी का नाम है, जैसे कि मान लीजिए BadaBusiness.com, जिसके ऊपर मतलब संदीप महेश्वरी सर ने सवाल उठाए थे, अगर वो कंपनी कहती है कि इस बंदे ने फालतू का हमारी कंपनी की इमेज खराब करी, हमारी कंपनी के बारे में बोला जिससे हम उसकी कंपनी को नुकसान हो सकता है, तो ऐसी कोई भी गतिविधि होती है किसी के भी द्वारा, तो वो सामने वाला जो बंदा है जज डॉक्टर विवेक बिंद्रा, तो वो मान हानि का केस कर सकता है उसकी कंपनी की इमेज खराब करने के लिए। ठीक है, तो इस कारण से संदीप महेश्वरी सर के ऊपर भैया उन्होंने केस लगा दिया। अब यहां तक तो ठीक था, ठीक है। अब इसके बाद में कोर्ट का जो फैसला है वो मैं आप लोग को बता दूं, अभी कोर्ट का प्रॉपर फैसला नहीं आया है। कोर्ट ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा को 16 जनवरी 2024 तक का वक्त दिया है। 16 तारीख को 16 जनवरी वाले दिन जो है केस की सुनवाई होगी, ठीक है, अदालत में, और तब तक का टाइम दिया है डॉक्टर विवेक को कि भैया आप जो भी संदीप महेश्वरी ने आरोप लगाए हैं आपकी BadaBusiness.com कंपनी के ऊपर, उसको पूरी की पूरी तरीके से सिद्ध करके दिखाइए। अगर आप सिद्ध नहीं करते हैं तो वहां पर जीत संदीप महेश्वरी सर की होगी। और साथ साथ कोर्ट ने यह भी बोला है बहुत सारे लोगों को कि अगर कोई भी बंदा, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो या फिर कोई भी XYZ कोई भी अननोन बंदा, अगर आप किसी की इमेज खराब करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भी अगर सामने वाला बंदा चाहे तो वो एक्शन ले सकता है। लेकिन जब तक वो आरोप अगर सिद्ध हो गया, जैसे कि मान लो कि हम ही वीडियो बना रहे हैं, अगर वो बंदा फ्रॉड है तो ठीक है, ठीक है। अगर वो बंदा फ्रॉड नहीं साबित होता है तो वो बंदा किसी के ऊपर भी केस कर सकता है। तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, चाहे हम हो चाहे आप हो। जैसे कि हम तो भैया संदीप महेश्वरी सर को फुल सपोर्ट करते हैं और उनकी बातों को भी सुनते हैं और उनके मतलब हर एक चीज को फॉलो करते हैं कुल मिला के, और ये नहीं कि एक तरफा बात सुनते हैं, जो रियलिटी है वही वो संदीप महेश्वरी सर बताते हैं। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अब केस का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। यहां से संदीप महेश्वरी ने भी केस कर दिया हैगा, ठीक है। और भी मैं उन सभी लड़कों से कहना चाहूंगा जो कि इस फ्रॉड का शिकार हुए हैं, भैया डरने वाली कोई बात नहीं ना, चाहे जितना बड़ा भैया BadaBusiness.com हो, अगर आप सही हो तो आप बेझिझक होकर वीडियो बनवाइए, सब कुछ करिए, ठीक है। आप लोग दोस्तों क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अपनी राय जरूर देना कि आप लोग दोस्तों किसके साथ हो। फिलहाल मेरी बताए तो भाई मैं तो संदीप महेश्वरी सर का पूरा सपोर्ट करूंगा, क्योंकि भाई वो बंदा बिल्कुल ट्रू है, और एक बंदा जब बिल्कुल सच बोलता है ना तो भैया पूरी दुनिया जो है उसको मतलब क्या ही बोले, ठीक है। आप जो भी मन में रखते हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।